जय श्री स्वामीनारायण। सुप्रभात। कैसे हो बच्चों? कैसी चल रही है पढ़ाई? ठीक चल रही है ना? आई होप ठीक चल रही होगी। आज हमारा टॉपिक है संज्ञा। अब हमें व्याकरण का टॉपिक सीखना है। संज्ञा ये आपको बहुत काम आएगा, आपको याद रखना है, ठीक है? अब संज्ञा क्या है, व्याकरण का टॉपिक आपको पहली बार आया है तो आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है? सबसे पहले तो आपको व्याकरण का पता ना हो तो व्याकरण के बारे में बताती हूँ। व्याकरण मतलब कोई भी वाक्य हो ना, उसमें कितने सारे व्याकरण छुपे होते हैं, तो हम उसका पहला टॉपिक संज्ञा ढूंढेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हमें प्रश्न होगा संज्ञा क्या है। तो कोई वाक्य हो ना तो उसके अंदर जो शब्द होता है ना, उसमें उस शब्द में वो शब्द किसी प्राणी, किसी स्थान, किसी व्यक्ति इसका हो ना तो वो संज्ञा कहलाता है, ठीक है? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे कोई भी शब्द में से ऐसा कोई भाव, नाम का भाव हो तो उसको संज्ञा कहते हैं, ठीक है? तो संज्ञा के तीन भेद हैं, हम वो तीन भेद अभी जानेंगे। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब ये तीन जो संज्ञा है उसको हम अंदर से जानेंगे और आपको ये सभी संज्ञा ढूंढनी है, इसलिए आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? ठीक से सुनना। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हमें मतलब प्राणी, वस्तु या स्थान का पता चले तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि मेरी कॉम ने मुक्केबाजी में देश का नाम ऊंचा किया है, ये एक वाक्य है, उसमें जो पिंक कलर से लिखा है ना मेरी कॉम, तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है? उसी तरह से दूसरा वाक्य है, देश विदेश से पर्यटक ताजमहल देखने आगरा आते हैं, तो इसमें ताजमहल और आगरा ये स्थान का नाम है, तो इसमें भी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। तो मेरी कॉम ये विशेष महिला है, इसलिए आगरा एक विशेष स्थान तथा ताजमहल एक इमारत है, जे ये दोनों शब्द को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी आपकी टेक्स्ट बुक में से भी आपको ऐसे शब्द ढूंढने हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हो, ठीक है? तो अब हम दूसरा पढ़ेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी वर्ग या जाति के सभी पदार्थों, वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते है। मतलब हमें कोई प्राणी, वस्तु या पदार्थ का पता चलता हो ना जिस शब्द से, उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है? तो अब उसका एग्जांपल, लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष, कुर्सी, मेज, शहर, नगर, पुस्तक, इमारत, फल, नदी, पहाड़, नहर, पानी, खाना, ये सब जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है? अब उसके एग्जांपल, तो बच्चे मैदान में पतंग उड़ा रहे हैं, ये बच्चे और मैदान ये है जातिवाचक संज्ञा। पक्षी पेड़ों पर चहचहा रहे हैं, और पक्षी और पेड़ों ये है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है? तो यहाँ पे बच्चे, बच्चे मतलब किसी का नाम नहीं दिया गया है, सभी बच्चे आ गए, उस बच्चे की पूरी जाति आ गई, तो ये बच्चे वो जाति में आते हैं, तो ये जातिवाचक में आएगा। मैदान, मैदान कौन सा मैदान, नाम नहीं लिखा है, तो ये भी पूरे सभी मैदान का नाम आता है, तो ये भी इसी तरह से। पक्षी, पक्षी कौन सा है वो भी नाम नहीं लिखा है। पेड़, पेड़ कौन सा है वो भी नाम नहीं लिखा है, इसलिए पक्षी की पूरी जाति और पेड़ों की पूरी जाति कोई भी हो सकता है ना, तो ये सब जातिवाचक संज्ञा में आता है, ठीक है? तो यह वाक्य है, बच्चे और पक्षी की शब्द किसी विशेष प्राणी का बोध न कराते हुए उनकी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं।
ठीक है, मैंने समझाया उसी तरह से यहाँ पे है मैदान पेड़ों शब्द किन्हीं उनकी पूरी जाति या वर्ग का बोध करा रहे, इसलिए ये हुए जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। तो जिस शब्द से किसी व्यक्ति स्थान या वस्तु के गुण दोष दशा भाव या स्थिति का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कोई भी दोष गुण या दशा या भाव ऐसे कोई शब्द में पता चले ऐसा है कुछ तो वो होगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो एग्जांपल कमरे की सजावट देखकर माँ बहुत खुश हुई, तो ये सजावट ये भाववाचक संज्ञा में आएगा। अब है नीलिमा और अणिमा में गहरी मित्रता है, ये मित्रता है वो भाववाचक। यहाँ पे संज्ञा पहले है ना उसका भाव गुण या दोष दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ पे नीलिमा और अणिमा है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का है, मतलब वो किसी का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे है मित्रता, तो इस मित्रता में भाव आता है, मतलब वो दोनों में भाव है, इसलिए ये भाववाचक में आता है। तो ऊपर लिखे वाक्य में सजावट और मित्रता शब्द दशा अथवा भाव के नाम है, तो इसे हम भाववाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है, तो हमारी ये तीन संज्ञा पूरी हुई, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। आपको सभी चैप्टर नंबर 1 से 5 तक सभी अलग अलग कोष्टक बना के उसमें लिखना है भाववाचक संज्ञा कितनी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कितनी है और जातिवाचक संज्ञा कितनी है। ठीक है, तो सबके एग्जांपल दे रही हूँ, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, अमिताभ बच्चन, राकेश, विजय, कमल, कुर्सी, मेज, श्री राम, चरित्रमानस, गंगा, हिमालय, लाल किला, कोलकाता, एशिया, अमेरिका, आदि सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसी तरह से लड़की, लड़का, स्त्री, पुरुष, कुर्सी, मेज, शहर, नगर, पुस्तक, इमारत, फल, नदी, पहाड़, नहर, पानी, खाना, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, उसी तरह से सत्य, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, अहिंसा, हरियाली, सुंदरता, बचपन, बुढ़ापा, मानवता, हार, जीत, बढ़ाई, ऊंचाई, ये सब भाववाचक संज्ञा है। आपको भी 1 से 5 चैप्टर में से इसी तरह से तीनों संज्ञाएँ अलग अलग करके एक कोष्टक पूरा बनाना है, उसमें एक एक करके नंबर डाल के नाम लिखने हैं। ठीक है, धन्यवाद।